लास्ट वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कैगल, लेकिन वीडियो एडिटिंग की वजह से नेविगेशन वाला पार्ट छूट गया था। मतलब कंपटीशन में कैसे एंटर होना है, डेटा सेट कैसे यूज करने हैं, कर्नल्स कैसे यूज करने हैं एंड डिस्कशन फोरम कैसे यूज करना है। इन सभी सेक्शन में हमने एंटर तो किया, लेकिन वहां कैसे पहुंचना है ये बताना मैं भूल गया था। नो प्रॉब्लम, वी विल सी इट अगेन इन जस्ट 5 मिनट। कंपटीशन, अपनी पसंद के किसी भी कंपटीशन में एंटर कीजिए, जैसे कि एयरबस डिटेक्शन चैलेंज, ह्यूमन प्रोटीन एटलस इमेज एंड प्लास्टिक एस्ट्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लिक कीजिए कंपटीशन के नाम पर, उसके बाद ज्वाइन कंपटीशन। ज्वाइन कंपटीशन से आप जो कंपटीशंस के रूल हैं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट करते हैं। आई अंडरस्टैंड, क्लिक कीजिए आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। यू हैव एक्सेप्टेड द रूल्स फॉर दिस कंपटीशन। अब आप कंपटीशन में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद ये आपका कंपटीशन का डिस्क्रिप्शन है, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, जिस पर आपका जो रिजल्ट होगा उसे चेक किया जाएगा। यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर से हमारा जो रिजल्ट है वो चेक होगा। प्राइजेस, फर्स्ट प्लेस $12,000, सेकंड प्लेस $8,000 एंड थर्ड प्लेस $5,000। आर यूजर्स को मिलेगा स्पेशल बोनस बेस्ड ऑन टॉप रैंकिंग सिलेक्टेड सॉल्यूशन यूजिंग आर। एट द एंड ऑफ द कंपटीशन, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, जो लोग आर यूज करने वाले हैं उनके लिए अलग से प्राइजेस भी रखे गए हैं, और विनर्स जो हैं वो दोनों के दोनों प्राइसेस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आर में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट प्लेस आया और लीडर बोर्ड में भी मेरा फर्स्ट प्लेस आया, तो मुझे तो टोटल मिलेंगे $12,000 एंड $10,000, यानी कि $22,000। टाइमलाइन, ये आपकी डेडलाइंस हैं जिसमें आपको ये कंपटीशन कंप्लीट करना है। जनरली डेडलाइंस 3 से 4 महीने तक की होती है। काफी वक्त हमें मिल जाता है अपने कंपटीशन की प्रॉब्लम को ढंग से समझने के लिए और नई चीजें ट्राई कर उसे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर है हमारा डेटा। डेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपने डेटा से रिलेटेड सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपके डेटा फील्ड। यहाँ पर आपके फीचर्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो फीचर्स किस बेसिस पर रिकॉर्ड किए गए हैं। अगला आता है कर्नल। कर्नल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोटबुक्स होती हैं फॉर गेटिंग स्टार्टेड दी कॉम्पिटिशन। यहाँ आपको काफी सारे कर्नल्स मिल जाएंगे एंड आप चूज कर सकते हैं कौन सा कर्नल आपको देखना है। आप एक से ज्यादा कर्नल्स भी देख सकते हैं। जो कर्नल हाईली रेटेड होगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वहां से स्टार्ट करें। एंड जैसे कि इस कर्नल को मिले हैं 627 वोट्स। राइट नाउ इट इज द मोस्ट पॉपुलर कर्नल फॉर दिस कॉम्पिटिशन एंड देर आर लॉट्स ऑफ कर्नल्स हियर, यू कैन चेक एनी ऑफ देम। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डिस्कशन का। यहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं विद एक्सपर्ट। अगला सेक्शन है लीडर बोर्ड। ये आपकी रैंकिंग दिखाता है जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर सबमिट प्रेडिक्शन की हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूल्स। वैसे मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन में रूल्स सेम ही रहते हैं। अब आते हैं अपनी मेन वीडियो पर। कॉम्पिटिशन, पबजी फिनिश प्लेसमेंट प्रेडिक्शन कर्नल्स ओनली, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी सबमिशन आपने किए हैं। मैंने सबमिशन 6 डे अगो किया था एंड उसके लिए मेरा स्कोर है 0.0817। मैं 3 सबमिशन कर चुका हूँ, 4 सबमिशन कर चुका हूँ जिसमें से एक एरर था। एक था 0.0907, उसके बाद मैंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की 0.0686 एंड देन उसके बाद मेरा स्कोर थोड़ा खराब हो गया मेरे अगले स्क्रिप्ट में। नो प्रॉब्लम, हम उसे बाद में फिर से ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं पबजी डेटा पर, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास डोमेन नॉलेज हो। सिर्फ डेटा पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रन करके मॉडल प्रिपेयर करना और उसके बाद टेस्ट डेटा से प्रिडिक्शन करना मशीन लर्निंग नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मशीन लर्निंग को हमें सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेलो गीक्स, दिस इज नील और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी कॉम्पिटिशन के डेटा सेट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। वैसे पबजी को किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, बट स्टिल इट्स अ बैटल रॉयल स्टाइल वीडियो गेम। इसकी फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। 100 प्लेयर्स आर ड्रॉप्ड ऑन टू एन आइलैंड एम्प्टी हैंडेड एंड मस्ट एक्सप्लोर स्कैवेंज एंड एलिमिनेट अदर प्लेयर्स अंटिल ओनली वन इज लेफ्ट स्टैंडिंग ऑल व्हाइल द प्ले जोन कंटिन्यूज टू श्रिंक। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर गेम एज फार एज आई नो। ओके, अब तक जो भी इन्फो मैंने दी वो इररिलेवेंट थी। अब आती है काम की बात। यू आर गिवन 65,000 प्लेयर्स डेटा स्प्लिटेड इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट एंड हमारा एम है टू प्रिडिक्ट फाइनल प्लेसमेंट फ्रॉम फाइनल इन गेम स्टैट्स एंड इनिशियल प्लेयर रेटिंग। दिस इज आवर टारगेट वेरिएबल। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। यहाँ इस फाइल में जो हमारे पास फीचर्स हैं वो काफी रेंडमली अरेंज हैं, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में कॉलम्स हैं आईडी, ग्रुप आईडी, मैच आईडी एटसेट्रा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ग्रुप आईडी। आईडी इज अ कैटेगोरिकल डेटा, इट्स काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट नेम ऑफ एवरी ग्रुप सो दैट सर्वर्स कैन रिकॉग्नाइज ईच ग्रुप। इस बारे में आप खुद सोचिए, क्या आप बता सकते हैं कि सिर्फ ग्रुप आईडी को अगर हम कंसिडर करें तो वो हमारा रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? आपको हर फीचर्स को देखते समय ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि इस फीचर से हम रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या। इट्स ऑब्वियस, ग्रुप आईडी कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि एक पर्टिकुलर प्लेयर इज गोना विन और लूज। अगला फीचर है मैच आईडी। जस्ट अ सेकेंड, PUBG EDA is fun. I'm using EDA is fun kernel to describe this problem. We'll start from here. Group ID, we have discussed it. Match ID, integer ID to identify match. There are no matches that are in both training and testing sets. Just like group ID, it is used to identify match and hence it's of no use right now. Assist का मतलब है कि players को damage आपने किया लेकिन उन्हें kill आपके team members ने किया. This feature seems somewhat relevant. Boost, number of boost item used. जितने ज्यादा boost use करेंगे probability of winning the match increase होगी. That's what my intuition says. बट डोंट वरी, हम अपनी इंट्यूशन नहीं बल्कि स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट फीचर फॉर द कंपटीशन। डैमेज डेल्ट, टोटल डैमेज डेल्ट, हाउ मच डैमेज हैपेंड टू यू। DBNOs, नंबर ऑफ एनिमी प्लेयर्स नॉक्ड। हेड शॉट किल्स, नंबर ऑफ एनिमी प्लेयर्स किल्ड विद हेड शॉट। हील, नंबर ऑफ हीलिंग आइटम्स यूज, जितने ज्यादा हीलिंग एलिमेंट्स उतनी देर गेम में टिके रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। वैसे देखा जाए तो जितने प्लेयर्स आप एलिमिनेट करोगे उतनी आपकी रैंकिंग बढ़ेगी गेम में, उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे गेम जीतने के। किल प्लेस, जितने भी एनिमी प्लेयर्स किल किए उसके हिसाब से आपको एक रैंकिंग मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फीचर उतना इफेक्टिव है, क्योंकि लेट से अगर कोई प्लेयर 98 प्लेयर्स को किल करता है और लास्ट में खुद किल हो जाए तो ही विल लूज द गेम। किल पॉइंट, किल बेस्ड एक्सटर्नल रैंकिंग ऑफ प्लेयर। एक्चुअली मैंने ये कभी नहीं खेली, अगर आपने ये गेम खेली हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रैंकिंग का क्या फंडा है। किल्स, नंबर ऑफ एनिमी प्लेयर्स किल्ड। किल स्ट्रीक, मैक्स नंबर ऑफ एनिमी प्लेयर्स किल्ड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लॉन्गेस्ट किल, longest distance between player and player killed at a time of death. This may be misleading as drowning a player and driving away may lead to a large longest kill stat. Max plays,
worst placement we have data for in the match. This may not match with num groups, as sometimes the data skips over placements. Num groups, number of groups we have data for in match. Revives, okay, this feature is something. Number of times a teammate revived, but I don't think reviving a teammate can help in any way. Ride distance, total distance traveled in vehicles. क्योंकि लास्ट वन स्टैंडिंग विल बी विनर, इसलिए अगर आप चलते रहेंगे तो नोबडी कैन किल यू इजीली. रोड किल्स, नंबर ऑफ किल्स व्हाइल इन अ व्हीकल, मतलब किसी व्हीकल से आप अटैक कर सकते हैं. स्विम डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्विमिंग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप चलते रहेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से गेम में टिके रहना और लास्ट वन स्टैंडिंग विल बी विनर. टीम किल्स, नंबर ऑफ टाइम्स दिस प्लेयर किल्स अ टीममेट. व्हीकल डिस्ट्रॉयज, नंबर ऑफ व्हीकल्स डिस्ट्रॉयड बाय यू. वॉक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट मेजर्ड इन मीटर्स. वेपन्स acquired, number of weapons picked up. Win points, win with external ranking of players, ranking where only winning matters. Couldn't understand this yellow ranking. अगर आप में से किसी को पता है तो please share in the comment below. And the last one is our target variable, the target of prediction. This is a percentile winning placement where 1 corresponds to first place and 0 corresponds to last place. It is calculated off of max place, not num groups. So, it is possible to have missing chunks in a match. Percentile means 100 equal groups, yani yeh aapki final rank predict kar raha hai, and value 1 and 0 ke beech hogi. 1 first place, 0.99 means second place and 0 means last place. One last thing, क्योंकि मैंने ये game कभी नहीं खेली, इसलिए हो सकता है मुझसे कुछ miss हो गया हो. अगर आपको लगता है कि कुछ info missing थी तो please comment section में जरूर बताएं. That's it for this video. अगर आपको ये video पसंद आया तो like करें, और अगर आप इस channel पर नए हैं तो subscribe करें, और अगर आपका कोई question है इस video के regarding तो comment section में जरूर बताएं. और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.